रूप दीपावली के पर्व पर ले चुकी है और दीपावली के पर्व पर प्रदेश में किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है उसे हम जान लेते हैं। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, ब्रजकिशोर आगरा से जुड़ गए हैं, तौकीर किदवई लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अमेठी से विनोद दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी को सबसे पहले तो दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं और हमारे तमाम दर्शक जो हमें सुन रहे हैं देख पा रहे हैं इस समय आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। और सबसे पहले हम लखनऊ लिए चलते हैं, लखनऊ में किस तरीके की रौनक जो है दीपावली के पर्व पर देखने को मिल रही है तौकीर? आप देखिए लखनऊ में अलग अलग बाजारें हैं, कई ऐसी बड़ी बाजारें हैं जहां पर कई दिनों से बड़ी तादाद में लोग खरीदारी कर रहे हैं। अमीन भूतनाथ मार्केट है और इसी में एक नाम है नरही मार्केट। नरही में नरही सभी चीजें जो से जुड़ी हुई है वो एक जगह पर मिल जाती है, चाहे वो पटाखे की दुकान हो, कपड़े हो, इसके अलावा चाहे वो गणेश और किसी की मूर्तियां हो, लाइटिंग का सिस्टम हो, यहाँ पर आपको एक लाइन में एक जगह पर सभी तरह की वस्तुएं मिलती हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर अब पैदल चलना भी मुश्किल होता जा रहा है जैसे जैसे समय करीब आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो मूर्तियां लगी हुई हैं और साथ साथ खरीदारी भी हो रही है। कितने साल से दुकान लगा रहे हैं? पांच साल से खरीदारी हो रही है भरपूर। पिछले साल के अपेक्षा इस साल तो कुछ कम है। और देखिए इसके अलावा आगे और भी बहुत सारी दुकानें हम आपको दिखाएंगे। रंगोली से जुड़ी हुई दुकान है, रंगोली बनाने के लिए अलग अलग रंग के लिए पूजा की सामग्री है। इसके अलावा जो आगे आप और बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे यहाँ पर पटाखे की दुकानें, पटके से जुड़े खेल खिलौने की दुकानें। और खास बात यह भी है कि जो दीपावली के बाद हमगढ़ का त्यौहार है उसके लिए पतंगों का इंतजाम भी अभी से यहाँ पर खासतौर पर दिखाई देने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। और आगरा से ब्रजकिशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब आगरा की अगर बात यहां पर की जाए कैसी रौनक दीपावली के मौके पर देखने को मिल रही है, लोगों में कितना उत्साह क्योंकि महंगाई की मार भी है। जैसे अभी हम लखनऊ की भी तस्वीरें देख पा रहे थे कि दुकानदार कह रहे थे पहले जितनी रौनक तो नहीं है लेकिन ठीक है त्योहारी सीजन है तो लोग आ जरूर रहे हैं, खरीदारी कर जरूर रहे हैं। फिलहाल ताजनगरी आगरा में कैसे हाल बने हुए हैं, कैसी रौनक बनी हुई है दीपावली पर? लगातार बाजार पर हालांकि महंगाई की मार भी दिख जा रही है, लोग घरों से सामान लेने को निकल रहे हैं लेकिन इस बार कुछ कम खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि जो बाजार है बाजारों में इस समय महंगाई की मार है, महंगाई को देखते हुए लोग कम खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि ऑटोमोबाइल से लेकर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखें या लक्ष्मी गणेश की जो मूर्तियां हैं उन्हें देखें या जो अन्य सजावट के सामान हैं लगातार बाजारों में भीड़ दिखाई दे रही है लेकिन महंगाई की मार की वजह से लोग इस समय बाजारों में जा रहे हैं लेकिन खरीदारी कम कर रहे हैं। अगर रौनक की बात करें तो कल धनतेरस से एक दिन पहले से ही लगातार बाजारों में भीड़ बढ़ गई थी और उसके बाद लगातार भीड़ देखी जा रही थी, लोग खरीदारी भी कर रहे थे। कुछ लोगों से हमने बात भी की थी, लोगों का कहना यही था कि कुछ महंगाई की मार है लेकिन दीपावली की जो रौनक है बराबर बनी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये रौनक जो है वो देखने को जरूर मिल रही है। अमेठी से विनोद दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद फिलहाल अमेठी में कैसी रौनक दिवाली के पर्व पर किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है, व्यापारियों में इस बार कितना जोश देखने को मिल रहा है, क्या लोग जमकर खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं? मना रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले से अमेठी में पड़ोसी जिले अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया था तो वही प्रभु श्री राम जब मन जाता है जब लंका से लौट गए अयोध्या तो अयोध्या वासियों ने जो है दीप का दीपोत्सव जलाकर उनका काफी स्वागत किया था। सभी से जो है दीपोत्सव का दीपावली का त्यौहार मनाया चला चलता रहा है। आपको अमेठी की बात करें तो अमेठी में बड़े ही हर्षोल्लास से नजर है। आपको बता दें कि जिस तरह समय समय अमेठी के जामु कस्बे में मौजूद हूँ जहाँ पर आप सब्जियों दे सकते हैं जिससे दुकानें सजी हुई है, यहाँ पर लोग जो है घर से अपने निकल रहे हैं और मार्केट में सामान खरीद रहे हैं। ये लाइट की दुकानें हैं, यहाँ पर लोग बिल्कुल खरीद रहे हैं और
सामान दादा जी हमारे साथ मौजूद है। दादा जी आप दीपावली के दिन देखते हैं त्योहार बाजार में आप खरीदारी करने आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्या क्या खरीद लिया आज? अच्छे से बन रहा है तो ऐसे में कुछ ग्राहक भी थे हमारे, तो दुकानदार भी है, हम इनसे बात करें किस बार किस तरह से दिवाली की रौनक है और लोग खरीदारी कर रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है? चांद जी, इस साल दीपावली कैसे आप मना रहे हैं, कैसे लोग कैसे मना रहे हैं? बिक्री हो रही है अच्छे से? दुकानदारी कैसे हो रही है? महंगाई की उम्र तो नहीं है? तो इस तरह से इसका कहना है कि महंगाई की भी कुछ ना कुछ लोगों पे मार पड़ी है और लोग जो है फिर भी लोग घर से निकल रहे हैं और दीपावली को मना रहे हैं। आप सभी को सकता है कि किस तरीके से लोग यहाँ पे लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, दिवाली की एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद दा तौकीर और ब्रजकिशोर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो